बहुत हो गया, अब इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसका बदला हम लेके ही रहेंगे। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, खबर, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और अंत तक जरूर देखिए। ये वीडियो, इस वीडियो अंतर्गत छोटे छोटे पार्ट में कई वीडियो है, उनको जरूर देखिएगा। ये वीडियो जारी किया है महाराष्ट्र पुलिस ने, और अलग अलग सिचुएशन में कि हालात में किस तरह से हमको बिहेव करना है, उसके लिए महाराष्ट्र पुलिस जागरूकता फैला रही है। काफ़ी अहम जिंदगी के मौकों के लिए काफ़ी अहम ये वीडियो है, इन वीडियो को जरूर अंत तक देखिए। ये चार पांच छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो है, आपको कहीं ना कहीं इन वीडियो को फायदा होगा। और जैसा कि मैंने अभी कहा, किस सिचुएशन में हमको क्या कदम उठाना चाहिए, उसकी इस वीडियो में जानकारी मिलेगी, तो अंत तक जरूर देखिएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। बहुत हो गया, अब इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसका बदला हम लेके ही रहेंगे। अरे ये क्या देख रहे हो भाई लोग, सुनो भाई, ये देखो कल मैं किससे मिलके आया। ओ तेरी, बता क्या बात है यार, ये कैसे हुआ? ये देख ऐसे। अरे ये तो, और सुनो, ये जो तुम वीडियो देख रहे हो ना, वो भी किसी ने ऐसे ही मॉडिफाई किया है। किसी भी फोटो और वीडियो को देख के ना बेवकूफों की तरह बहक मत जाना, समझे भाई? डिलीट कर उसे, तू चाय पिला आजा। क्या चाय पिला? सोशल मीडिया से आने वाले हर संदेश को सावधानी से समझें। समझदारी में होती है ताकत। सतर्क जनता, सुरक्षित भारत। जय हिंद। सच में होते होते तो हैं, लेकिन थोड़े से अलग। वो हमेशा अलर्ट रहते हैं, उनसे कोई गलत बात छुपाई नहीं जा सकती। मतलब आपके सुपर हीरो विलन के साथ ऐसे लड़ते? नहीं, इनकी लड़ाई थोड़ी अलग होती है। कई बार इंसान बुरे लोगों के बहकावे में आकर राह भटक जाते हैं और अपने ही लोगों को हानि पहुंचाते हैं। ऐसे बहके हुए लोगों को सही राह दिखाने और उनकी गलत सोच को बदलने की लड़ाई ये सुपर हीरोज लड़ते हैं। ये सुपर हीरोज बहके हुए व्यक्ति के वालदेन और दोस्तों से मिलते हैं और हर संभव तरीके से उस इंसान को सही राह पर लाने का प्रयास करते हैं। मुझे भी मिलना आपके सुपर हीरो से। खुदा ना करे तुम्हें मेरी तरह कभी उनसे मिलना पड़े। हाँ, मैंने सुपर हीरोज देखे हैं जो हम जैसे लोगों को सही राह दिखा रहे हैं, हमें आत्मनिर्भर बनाकर समाज में फिर से सर उठाकर जीने का एक और मौका दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू एटीएस। मैं समुंदर हूँ, गर्व से अपनी बाहें फैलाए खड़ा हूँ, बेझिझक किनारों से खेल रहा हूँ। मेरे भीतर होने वाली हर गलत हरकत पर कड़ी नजर है, जैसे कि अब है इस नाव पर। एक मछुआरे ने देखा कि दो लोग नाव चुराकर शहर की ओर निकले हैं। ऑल यूनिट्स बी अलर्ट। अब जब ये नाव किनारे लगेगी, तब इन्हें भागने के लिए ना जमीन मिलेगी और ना ही समुद्र। ऐसे लोगों के लिए अब यहां कोई जगह नहीं। मैं समुद्र हूं, गर्व से अपनी बाहें फैलाए खड़ा हूं, क्योंकि मेरे असीमित क्षितिजों की सुरक्षा का दायित्व इन वीरों पर है। आतंकवाद के खिलाफ इस सुरक्षा कवच को अभेद्य रखने के लिए आपकी सतर्कता और सहयोग भी उतना ही जरूरी है।
जितना कि हम सभी के सक्रिय और संगठित प्रयास। जय हिंद। सर, उन सारे अल्फाजों से कई सवाल बने और जहां पूछना चाहिए था वही पूछा। अब्बा, ये तकफीर क्या होता है? ये क्या बेहुदा सवाल कर रहे हो तुम? इन सबसे दूर रहो। पेश इमाम, क्या दारुल कुफ्र से दारुल इस्लाम के लिए हिजरा करना एक मुसलमान के लिए अल्लाह ताला ने जरूरी फरमाया है? ये सब जानकर क्या करोगे बेटा? क्या हमें बैत लेना जरूरी है? जब जवाब नहीं मिला तब मैं ढूंढने लगा, दिन रात ढूंढने लगा। सही और गलत की खोज में फंसता चला गया सर। खींच लिया था जैसे। इंटरनेट एक आसान जरिया था। मैं रेगुलर मैसेज करता था, बातें करता था, सुनता था। जो बचा सकते थे ऐसे दोस्तों से दूर रहने लगा। सब नशा छोड़कर साफ रहने लगा, पाक रहने लगा। हिजरत, जन्नत, खुली आंखों से ना समझने वाले सपने देखने लगा। भाग गया सर यहाँ से, जवाब के पीछे। उधर जाके समझा सर, जवाब क्या, उन्हें तो सवाल ही समझ में नहीं आया। सब गलत था सर, झूठ था, अंधा हो गया था मैं। वहां जाके आके खुली तो जैसे तैसे लौट आया। इंसानियत में ही अल्लाह की मर्जी है। सवाल का जवाब अगर तभी मिल गया होता तो शायद आज मैं आतंकवादी ना कहलाता। जिज्ञासा को सही राह और मायने मिलना जरूरी है। विश्वास किस पर और क्यों करना है सोचिए, सतर्क रहे, विवेक से काम ले। सारा मोहल्ला उसे बिल गेट्स बुलाता है। कंप्यूटर से इतना लगाव था कि पूछो मत। पढ़ाई के खातिर ऐशो आराम छोड़ दिया था। सारा दिन बंद कमरे में कंप्यूटर पर लगा रहता था। विदेश में जॉब ऑफर हुआ तो पैसे भी इकट्ठे किए थे। हमारे घर का पहला इंजीनियर। पढ़ाई तेज और होनहार बच्चा। हमें पूरा भरोसा है कि ये हमारे खानदान का नाम जरूर रोशन करेगा। हमारे देश में आतंकवादी आज हमारे ही घरों में कंप्यूटर से घुसकर नौजवानों को अपना शिकार बना रहे हैं और इसे सिर्फ आप रोक सकते हैं। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट कि आपका बेटा कंप्यूटर पर क्या देख रहा है, आपका दोस्त कंप्यूटर पर क्या कर रहा है, इस पर नजर रखिए, सतर्क रहिए, जिम्मेदारी निभाओ, आतंकवाद मिटाओ। मैं कोस्ट गार्ड नहीं, पर समंदर पर होने वाली हर हरकत पर मेरी नजर है। आई एम नॉट अ स्नाइपर, पर देश के दुश्मनों को बेझिझक शूट कर सकती हूं। मैं कोई पुलिस या आर्मी ऑफिसर नहीं, पर अगर मुझे किसी पर शक आए तो उसकी पूछताछ मैं अच्छी तरह से कर सकता हूं। ये कोई चेक पोस्ट नहीं, पर यहां से हर गलत काम करने वालों को रोक सकता हूं। मैं कंप्यूटर से घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को अपने हाथों से रोक सकता हूं। कोई भी जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें किसी वर्दी, ओहदे या तजुर्बे की जरूरत नहीं। जहां हो वहीं से देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएं, देश का सच्चा सिपाही बने। जय हिंद। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।